देश में जल्द ही टोल टैक्स वसूली का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि टोल टैक्स प्लाजा हटा दिए जाएंगे और उनके स्थान पर दूसरे तरीके से टोल टैक्स वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्या है वह तरीका और कब से लागू होगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोटर न्यूज हिंदी में। दिल्ली मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जल्द ही GPS आधारित टोल वसूली शुरू हो जाएगी। योजना का ट्रायल सफल रहा है और अब इसे देश भर के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर लागू करने की तैयारी चल रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की स्वीकृति का इंतजार है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सरकार की देश के सभी टोल प्लाजा को खत्म करने की योजना है और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने काफी पहले ही घोषणा कर दी थी कि धीरे धीरे देश के सभी टोल प्लाजा को खत्म कर दिया जाएगा। GPS सिस्टम टोल नाका कर रहे हैं तो टोल नाके खत्म कर देंगे। इसके बाद से ही सड़क परिवहन मंत्रालय और NHAI नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। यूरोप और रूस के कुछ देशों में पहले ही GPS आधारित टोल वसूली होती है, इसलिए वहां की एजेंसियों की मदद से इस तकनीक को अपने यहाँ भी लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर GPS से टोल वसूली का ट्रायल चल रहा था जो सफल रहा। ट्रायल की रिपोर्ट के आधार पर ही चरणबद्ध तरीके से अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। NHAI उन्हीं एक्सप्रेसवे पर इसे लागू करेगी जो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं, जिससे कि वाहनों को GPS के जरिए ट्रैक किया जा सके। GPS आधारित व्यवस्था में वाहनों से दूरी के हिसाब से टोल कटेगा, यानी वाहन ने जितनी दूरी टोल रोड पर तय की उतनी दूरी का टोल उसके GPS वैलेट से काट लिया जाएगा। इससे वाहन चालकों को न सिर्फ टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी बल्कि उनके पैसे की भी बचत होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।